फाइनली भी परचेज हुआ फर्स्ट कैमरा, जिसकी मैं बहुत दिनों से, बहुत महीनों से, सालों से इंतज़ार कर रहा था कि मैं अपना पहला कैमरा खरीदूंगा, बट ये नहीं पता था कौन सा खरीदूंगा। तो फाइनली भी परचेज और फर्स्ट कैमरा एंड लेट्स अनबॉक्स, क्योंकि ये मेरी फर्स्ट अनबॉक्सिंग होगी इस व्लॉग में, मैंने आज से पहले नहीं देखी। लेट्स ओपन इट एंड देखते हैं कैसा है, क्या क्या फीचर्स हैं इसके, क्या क्या कैसा डिज़ाइन है। तो लेट्स सी, लेट्स अनबॉक्स। तो कुछ ऐसा दिख रहा है एंड फाइनली यार पहला कैमरा है। तो मैंने घर पे भी नहीं बताया अभी कि मैंने कैमरा खरीदा है, ये वीडियो देख कर ही घर वालों को पता चलेगा कि हाँ भाई कैमरा खरीदा है, पैसे फूंक दिए इसने। चाकू का है, तो ये रहा चाकू। वैसे चाकू की ज़रूरत नहीं थी यहाँ पे, कोई नहीं, खोल दिया है। ऐसा कुछ दिख रहा है हमारा, इसके साथ बॉक्स भी आया है जो कि इनको साइड में रखा है। तो अब इसको ओपन करते हैं एंड देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या एक्सेसरीज आई है। ओके सो तो सबसे पहले तो भाई यकीन नहीं हो रहा कि भाई ले लिया भाई, भाई बहुत ही सेक्सी लग रहा है, बहुत ही मस्त है यार। यकीन नहीं हो रहा यार इतनी मेहनत, मतलब इतनी वेट करने के बाद, इतना वेट करने के बाद फाइनली ले लिया है। तो ओके सो सबसे पहले हमारे पास आई है केबल, ठीक है, एंड एक है बैटरी एंड ये सब एक्सेसरीज है जो नीचे कनेक्ट होती है GoPro के। ओके एंड फाइनली हमारे पास है एक GoPro। फाइनली यार हमारा GoPro एंड अब करते हैं इसका पेपर रैप। ऐसा कुछ दिख रहा है GoPro। ओके करते हैं इसको स्टार्ट। तो हमारा कैमरा अब इस तरीके से कुछ दिख रहा है, अब हमने इसके अंदर बैटरी डाल ली है, अब करते हैं जल्दी से इसको ऑन। सो ऑन करने का बटन है हमारा लेफ्ट में, ओके सो ऑन हो चुका है हमारा कैमरा, नाइस। तो लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए कह रहा है इंग्लिश। ओके सो हमने कैमरा को सेटअप कर लिया है एंड अभी ये है हमारा 4K 60 FPS पे। अभी हम करते हैं इसको 5K पर ट्राई करते हैं, 5K पर कुछ ऐसा दिख रहा है एंड ओके एंड अभी इसकी बैटरी तो है नहीं, इसको करेंगे चार्ज एंड उसके बाद ट्राई करेंगे हम आउटडोर में। अगर आप सामने से देखोगे कि तो सामने से कुछ ऐसा दिख रहा है, ये देख सकते हो कि कैसे किस एंगल पे हैं। लेट्स अभी इसको देखते हैं यार स्टार्ट करके, ठीक है। सो अभी हमने इसके अंदर GoPro के अंदर SD कार्ड डाल दिया है एंड अब हम इसको करते हैं टेस्ट कि कैसा दिख रहा है। तो अभी जो आप मेरी आवाज़ सुन रहे हो वो है iPhone में एंड जो आप मेरी दूसरी आवाज़ सुन रहे हो ये है GoPro में एंड वीडियो क्वालिटी चेक करके बताना कि दोनों की कैसी है। अभी ये है GoPro की वीडियो क्वालिटी एंड और ये है आईफोन की वीडियो क्वालिटी, दोनों में डिफरेंस आपको लग रहे होंगे क्योंकि पैसों का भी बहुत डिफरेंस है एंड क्वालिटी का भी बहुत डिफरेंस है। इसकी ऑडियो क्वालिटी भी बताना, अभी जो आप ऑडियो सुन रहे हैं मेरी वो है आईफोन में एंड आईफोन की क्वालिटी, मैंने ऑडियो क्वालिटी थोड़ी बैकग्राउंड नॉइज़ ज़्यादा आती है एज़ कम्पेयर टू GoPro। GoPro की अगर आप देखें तो इसकी ऑडियो क्वालिटी थोड़ी सही है ऐसा मुझे लगता है, बट आप देख कर बताना कैसी है एंड जब मैं इनको सुनूँगा तो मैं शायद मेरा दूसरा ओपिनियन हो। तो अब मैं आपको भागकर दिखाऊंगा यहाँ से वहाँ तक और देखना कि इनकी स्टेबिलिटी कितनी है, ठीक है। सो बताना मुझे कौन से ज़्यादा स्टेबल हैं। सो अभी मैंने जो सामने की एक पिक्चर ली है GoPro से एंड पिक्चर क्वालिटी कुछ ऐसी दिख रही है क्योंकि काफ़ी सही है। तो फ्रंट से कुछ ऐसा दिखता है इसको अगर आप बैक से देखोगे एंड
इसकी जो वाइड एंगल है वो काफ़ी ज़्यादा है, लाइक मैं अभी सामने रखा हुआ है एंड आपको दिख रहा होगा कि यहाँ इस साइड का ज़्यादा कवर कर रहा है एंड राइट लेफ्ट दोनों साइड का ज़्यादा कवर कर रहा है एंड सामने प्यारा सा सनसेट हो रहा है। एंड सो ये था GoPro जो था वर्थ इट। फोन की नहीं हो रही, आई थिंक यहाँ से होगा, यहाँ से होगा। ओ सॉरी, बैटरी डालना तो भूल गया।